हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सुमन गुप्ता किंगडम ऑफ हेल्थ यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमसे सवाल पूछा है कि जब भी मैं प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराने जाती हूँ तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट में मेरी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आती है वह बार बार बदल जाती है, तो मैं कौन सी डेट को अपनी डिलीवरी की डेट समझूं? दोस्तों, प्रेगनेंसी में कई बार आपको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, जिसमें से पहली बार अल्ट्रासाउंड पहले तिमाही में होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जब पहली बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराती हैं। दूसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है वह आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यूजली 17 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते के बीच में कराया जाता है। और उस अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है कि बच्चे के सभी अंग बनावटी तौर से सही रूप में विकसित हो रहे हैं। तीसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है वह ज़रूरत पड़ने पर 28 हफ्ते से लेकर 32 हफ्ते के बीच में कराया जा सकता है। और चौथा अल्ट्रासाउंड आपका 8-9 महीने पूरे होने पर डॉक्टर कराते हैं, ताकि यह डिसाइड कर सकें कि बच्चे का डेवलपमेंट पूरी तरह से अच्छी तरह से हुआ है और बच्चे का वजन कितना है, प्लेसेंटा कहाँ पर मौजूद है, बच्चे के चारों तरफ जो पानी की थैली है उसमें पानी उचित मात्रा में है कि नहीं है, कहीं पानी की कमी तो नहीं हो गई है, और बच्चा सीधा है या उल्टा है। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराने से यह पता चलता है कि बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी ठीक से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तो बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा, बच्चे के गले में नाल तो नहीं है। जितनी भी बार आप अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास कराने जाते हैं तो इस तरीके से आपके अल्ट्रासाउंड में बच्चे की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल कर आती है। तो आपका सवाल है कि मैं कौन सी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को मानूं कि मेरा डिलीवरी कब होगी। नॉर्मली जो गायनेकोलॉजिस्ट आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालती हैं, वह आपसे आखिरी बार पीरियड कब आया था उस डेट से 9 मंथ + 7 डेज ऐड करके वह डेट निकालती हैं, और वही आपकी कंफर्म एक्सपेक्टेड डेट मानी जाती है डिलीवरी के लिए। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का रेगुलर साइकिल था तो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाली जाती है, जो कि 9 मंथ + 7 डेज होती है, यानी कि 40 वीक्स होती है। और इस एक्सपेक्टेड डिलीवरी के 2 हफ्ते पहले से लेकर 2 हफ्ते बाद तक आपकी कभी भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर आपको लास्ट पीरियड की डेट मेंसेस की पता नहीं है, या फिर आपको लैक्टेशनल एमिनोरिया में प्रेगनेंसी हो गई है, या आपके रेगुलर पीरियड्स आते थे, दो दो ढाई ढाई महीने बाद पीरियड आते थे और उसके बीच में आपको प्रेगनेंसी लग गई है, तो फिर हम अल्ट्रासाउंड से ही आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालते हैं। तो वह डिलीवरी की डेट आपकी कंफर्म कौन सी मानी जाएगी, जो आपने पहली बार अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराया था। तो उस अल्ट्रासाउंड में जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकली है पहली तिमाही में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान जो आपने पहला अल्ट्रासाउंड कराया है, उस अल्ट्रासाउंड के अंदर रिपोर्ट में जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल कर आई है वही डेट जो है कन्फर्म मानी जाएगी। और जैसे जैसे आप अपनी प्रेगनेंसी के बढ़ने के साथ साथ 6वें महीने में 7वें महीने में 8वें महीने में 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल कर आएगी वो हमेशा बढ़ती चली जाती है और उस पर हम रिलाय नहीं करते हैं। आपके पास जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है उससे हम फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, आपकी डिलीवरी कब होगी, आपका कितना समय पूरा हो गया है, उसका अनुमान लगाते हैं। अगर किसी पेशेंट के पास एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं है, उसको डेट भी याद नहीं है, तो हम अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ, पर वजाइनल एग्जामिनेशन के साथ साथ आपका जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसको रीड करके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का अनुमान लगाते हैं। और साथ में जो सोनोग्राफी में बेबी का वजन आता है उससे अनुमान लगाते हैं कि आपका समय पूरा हो गया है कि नहीं हो गया है और आपकी डिलीवरी कब होने वाली है। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं,
और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी परेशानियों को इस चैनल के कमेंट बॉक्स में डालकर पूछते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सवालों का जवाब देना। और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।